अरे मैनपुरी की तभी शीतल मरण, अरे मैनपुरी की तभी शीतल महारानी, मैं धरूं तुम्हारो ध्यान जी। आस लगाई मैंने आपकी मेरी मैया, आस लगाई मैंने आपकी महारानी, कोई कैसेट में रखो मेरो मान जी। चैत महीना मेला जुरे मेरी मैया, चैत महीना मेला जुरे मेरी मैया, जामे राम धरे ते अवतार जी। बड़े बड़े लंबे ने जा चले महारानी, जामे नाच रहे नर नारी जी। बड़े बड़े लंबे ने जा चले महारानी, जामे नाच रहे नर नारी जी। आस लगाए के बड़ी दूर से मेरी मैया, कोई जाती आवे दरबार जी। अरे भेंट चढ़ावे बिनती करे महारानी, भेंट चढ़ावे बिनती करे मेरी मैया, जनकी पूरी करती मुरादी जी। हाँ दया करोरी संकट हरो मेरी मैया, दया करोरी विपता हरो मेरी मैया, तुम्हें तेरे ब्रजे सको मार जी। दया करो री पिपाता हर महारानी, तुम्हें तेरे तू दास तो मारी जी। हाँ भैया, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कहानी जो हम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं, सदा वृक्ष सोरंगा वाली, पहले भाग की कहानी जो हम आप लोगों को दे चुके हैं राजपूत कैसेट में, यहां से आगे की कहानी जो आज हम लेके चल रहे हैं सदा वृक्ष सोरंगा की, तो क्षमा करें ये कहानी हमारे मामा श्री कृष्ण जो ग्राम अंजनी के रहने वाले हैं उनसे जो हमने ये कहानी ली थी, और अगर इसमें कोई भूल हो तो हमसे नहीं बल्कि उनसे ही मिलना, और क्षमा करें ये सदा वृक्ष सोरंगा की कहानी जो हम समझाने के लिए जा रहे हैं। तो ये लड़की जो थी वो बंदर और बनरिया जो बन गए थे, उसके बाद वो लड़की पद्मा सेठ के घर में पैदा हुई, तब उसका नाम सोरंगा रखा गया, और वो
लड़का बन करके बंदर जो पैदा हुआ था उसका नाम सदावृक्ष रखा गया, वो जगदीश का लड़का था। भाइयों आ जाइए उस कहानी की तरफ गौर करें कि एक दूसरे के प्रेम में कितने पागल थे, कितने दीवाने थे। तो बस सौरंगा नाम की लड़की कि पद्मा सेठ की लली स्वभाव की भली सुना सरदारी और सोरंगा जाको नाम रे के चंद्र बदन उजियारी। वो देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और इधर वो लड़का जो पैदा हुआ जगदीश भूप को कुमर देखे में सुगर के सूरत प्यारी। जब सदा वृक्ष है नाम के सुनो यागारी, सदा वृक्ष है नाम के सुनो यागारी। भाइयों जगदीश राजा का लड़का जो पैदा हुआ उसका नाम सदा वृक्ष रखा गया, और पद्मा सेठ के घर में जो लड़की हुई उसका नाम सोरंगा रखा गया। अब धीरे 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 दोनों कुछ सियाने हुए, लेकिन कुछ पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा था, पूर्व जन्म का विधान ऐसा था जो सोरंगा को कभी सदा वृक्ष नजर पड़ जाता था तो टकटकी लगा के रह जाती थी, क्या कुछ नहीं पाती थी, और सदा वृक्ष को अगर सोरंगा नजर पड़ जाती थी तो अवदेशु देख सही रहा थी, हाँ कहे कछु ना पाते भाव ऐसो के ने कछ थोड़ो चक्कर दूसरों बने गए। बे सेठ की बिटिया आती सुबह तो पड़न जाती, अब बे जो आते सुबह भैंसे चुगान जाते। ऐसा हुआ कि सोरंगा पड़ बे को जावे सदा वृक्ष उस भेंट तुरावे। फरक हो गया सोरंगा उत पढ़ बे जावे सदा वृक्ष उस भेंट चुरावे। बे भैंसे चुगान जाता थे और बे पढ़न जाती हती, फरक इतो परियो। एक दिन ऐसो भाव के सोरंगा जो हती सो पढ़न जाते हती और बे भैंसे लाए जाते, तो भाव ऐसो के रास्ता में दो मिल गए, और जब रास्ता में दो मिल गए तो एक दूसरे के चेहरा की देखत खन ठाड़े हो गए। तो सदा वृक्ष ने सोरंगा से एक बात पूछी, जब कही कि किन की है तू लाड़ली और छोरी। सदा वृक्ष बोले किन की है रे हाथ में मेरी प्यारी कोई
जा रही है। तब लड़की बोली, बिटिया तो कहिए कलमा से बाप को नाव का है, तुम हाउ नाव का है, तुम कहाँ जाते? तो सदा वृक्ष बोले, बेटा तो कहिए जगाती सके योरी छोरी, बेटा तो कहिए जगाती सके योरी छोरी, कोई सदा वृक्ष मेरो नाम अरे बेटा तो कहिए बात कही कि हमारे भैंस चंगाइबे को काम है और भैंस चराइबे के बाद घर ले आते हैं। जब बात सुन के पड़न चली गई, भैंस चुगान चले गए। लौट के जब आए सो बिन ने भैंसियां नाए बांधी नला, सब घूमती फिरे गले न में कोई काऊ के नाद पे मोड़ आ रहा है, कोई काऊ कोई काऊ। तो सोचन लगे पता ना जी कहां चलोगे। कही एक बात जब बताओ, पढ़ने के लिए जाते और हम भैंसे चुगाए, हम ऐसो ना करें, कल तो पढ़ा ना हम जाए। हाँ घर है कहीं तो जब कहीं कोई बात ना, अगर पढ़ने में जाए भी इच्छा है तुम्हारी तो पढ़न जाओ। जब वे पढ़न जान लगे, अब हुआ ऐसा कि वे जब लड़की के पास बैठ जाते हैं तो लड़की की तरफ ही देखते रहते हैं सारे दिन। हाँ, अब वो लड़की सदा वृक्ष की तरफ देखती रहती लेकिन कहते कुछ नहीं। अब मास्टर लोग परेशान हो गए। जब मास्टर लोग बड़े परेशान हो गए तो सोचने लगे इनको कैसे बेगटन हो, और जे अलग अलग रहे तब तो पढ़ सकता है ना। उसने जब पढ़े ना अब चक्कर में, तो मास्टर ने जो सोची ऐसा करो जिनके दोनों के बीच में एक पर्दा लगवा दे, और जब पर्दा लग जाए एक जार बैठा रहो और दूसरों बाहर बैठा रहो। मास्टर ने जब और लोगों से कही तो लड़की ने हती तो सुन ली बात ही बड़ी चालाक। सुबह सोरंगा बोली मास्टर से कि मासा बात जाए ना कि पर्दा करता मैं दिन लगे मुसीबत। बोली पर्दा करता मैं लगेंगे और संग ही संग तुम्हारा पैसा और खर्च हो। ताकि एक काम करो, पर्दा धारी है मेरे बाप के मुंशी जी, पर्दा धारी है मेरे बाप के मुंशी जी, कोई बहे तो ले उठा भाई जी।
लगवायो तो दिन लगेंगे, ऐसो करो बनी बनाई पर्दा हमारे बाप के घर रखी है, सो मंगवाए लो। जब आज सुनी तो मास्टर बड़े खुश भाई, सोचने लगे चलो ठीक है भाई मंगवाए लो। तो चार छह लड़का और भेजे और भाई पर्दा मंगवाए ले। पर्दा मंगवाए के और बीच में लगाई दई, और जब बीच में पर्दा लगाई तो एक तरफ लड़की बैठा रही और दूसरी तरफ सदा वृक्ष बैठा रो, के एक दूसरे को देख ना पाए तो पढ़े पाए। जब पढ़ेंगे ना हुआ ऐसा, वह पर्दा में एक नेक पैसावर सूरा आ गया। तो सुबिन ने बाई तो पई आंखें लगाए ली और उन्हें सदा वृक्ष ने, अरे जब नहीं लली निहारी कुमारी लागे पाको सूरत प्यारी। देखत रहे अब सदा वृक्ष ने अंगुरिया डार डार की वो सूरा को हतो से लला बड़ो और कर लो बड़ा कर लो एक बाद में फिर बा में हाथ घुस दो बन पीस तो फाद दो। अब भाव ऐसो के दोनों जो हते एक दूसरे की तरफ देखन लगे। मास्टर सोचन लगे बस से हो गए जे तो जो कुछ होना रहती सो। अब जे ऐसे ना माने तो फिर मास्टर ने जे सोची एक तरीका दूसरा ढूंढो। जे सोची कोई बात ना है, आज चलो हम इन्हें जे देखेंगे कि इनको प्रेम अगर है तो वो है कैसे। तो सब लड़कन से जे कही देखो सबकी छुट्टी है, लेकिन इन दोनों की छुट्टी ना है। मास्टर ने कही तो सबकी छुट्टी करी तेरे ना करी सुना मेरे भाई। मास्टर ने और सदा वृक्ष सोरंगा से कही है के तुरंत समझाई। सब लोग अपने अपने घर जाओ, लेकिन इन दुई की छुट्टी ना है सदा वृक्ष सोरंगा की। सब की छुट्टी करी तेरा नहीं करी सुना मेरे भाई सुना मेरे भाई। सदा वृक्ष सोरंगा से के कही तुरंत समझाई। सब की छुट्टी कर दई और जब कहीं सब लोग अपने अपने घर जाओ और बेदु रह गए जो सदा वृक्ष सोरंगा, उनसे कही मास्टर ने कि तुम दोनों के लिए एक आदेश है। जब बाग एक किनारे पर है स्कूल के, अब बाग में तुम दोनों जने घूमन जाओ घंटा दो घंटा चार घंटा, जितनी देर रुको उतनी देर रुकियो फिर चले आइए। क्या कही तुम दोनों घूम के आओ की छुट्टी करते ही सब तो अपने अपने घर चले गए। और सदा वृक्ष सोरंगा से दोनों से जे कही एक काम करो तुम दोनों बाग में घूम आओ।
अब वे दोनों जो हते सो बाग में घूमने के लिए चले और मास्टर जो हते सो एक पेड़ पर चढ़े के देखने लगे, देखें जे कहा करेंगे कहा ना करेंगे। हाँ तो देखत रहे अब वे घूमत रहे बाग में और घूमबे के बाद में चुपचाप जैसे गए तैसे ही लौटे। जब लौट आए तो मास्टर ने गेट पे ही घेर लाए। जब मास्टर ने घेर लाए तो मास्टर ने एक बात पूछी, एक बात बताओ। बोले कहा कि जिन कारण बगिया गए मेरे लाला। मास्टर बोले जिन कारण बगिया गए मेरे लाला, तेरो काम बनो या नाई। मास्टर ने जब पूछी कि जौन से कारण से तुम्हें हमने बाग में भेजो हो तो वो तुम्हारो काम बनो के ना, तो बे तो मौत हुआ थे, तो बे तो बेचारे का समझ ना पाए बेचारी आती चाल। सुबह बोली बनियन की रे हमारी मुंशी जी। बोली बनियन की रे हमारी मुंशी जी, कोई बेचत घोड़ा यारू तेल जी। और समझाए के बबिटरिया बोली सदा विरक्ष को कहा करे मुंशी जी, जू तो बिन सिंगन को गंगा बैल जी। जबात जब कही सोई बु सदा वृक्ष सतर परी गो। जब बन जा कही कि जाको हम का कर जी तो बिना सिंगन को बद दो है, ये तो कद दई बजी। जो इतनी बात कही तो सदा वृक्ष बोलो इतनी बातें तूने अब कहीं और छोरी, कोई इतनी जो कहती बगिया बीच जी। सदा वृक्ष बोलो इतनी बात तू नहीं है कही, इतनी अगर बाग में कह देती तो सिंगन को बिना सिंगन को तो हम वही बता देते। भाई समय पे वे मास्टर चले और उन दोनों को ले जाए के उन दोनों के घरे जोदो जो कही जे तो पड़ी गए। अब जो कुछ हो सो देखियो अपो समारियो रागवाग भैया हमारे कब्जा से बाहर है, अब हम पढ़ाए ना पाए। मास्टर छोड़ के जब चले गए सदा वृक्ष जो हते सो बिने उनके बापन जो कही अब तू तो पड़ी गए ले लाठी चुगा भैंसिया और बे जो हती सो आप घरे रहने लगी। जब धीरे धीरे बड़ी हुई गई और बे भैंसे चुगाने लगे। भाव ऐसो कि एक दिन ब लड़की जो हती सो स्नान करबे को छत के ऊपर चढ़ गई, बने हार जो गर्दन में पहने हती लगा और देश हार उतार के बने धद्दो ऊपर खुटी नहाए बे गुजर चली था। तो करबे को स्नान कुमारी चढ़ गई दादा अटारी।
को सोरंगा स्नान करबे को अटारी पे चढ़ी गई हार नल घागर दल से हार नल घागर दल से खुटिया पे धरो उतारी नौलखा हार जो गर्दन में पहने हती सबू तार के बाने खुटी पे लटकाए दो और नहान लगी तोले भाव ऐसो महाराज चील ने पैर में लाओ दबाए उलट चली गई नदी बीच में वृक्ष टांग दौड़ाए बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूधी नई बनी बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूधी नई बनी बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी स्नान करबे को जब तैयार भई हार लेके बान लटकाए दो घुटी पे सुबह चील दाबे ले गई अब हार को जब चील दाबे ले गई तो अब चील ने एक नदी हती व नदी के बीच में ढाड़ो तो एक पेड़ डाला ताई पे ले जाए कि टांगे दो अब भागत चली गई तो ने सदा वृक्ष जो हते सो भैंसियां चुंगाते हुए रास्ता नहीं मिली पूछन लगे का भाव जवाब दो कि हमारो हार चील ले गई है अब चील से हार का तरीका से हमें दिलवाए दे सदा वृक्ष बोले का मरेबे को घूमत है एतो ऊपर सो नदी के बीच में और जापे तो जद घाट के बर रही सी लिपटी है चारों ओर भला हार हम होता नहा मनाए बोली कछु करो लेकिन हार हमारू हमें दे दो लड़की ने जवाब जब कही तो वो लड़का बोलो कि कॉल करो तब हार उतार ऐसे ना है जो काम ब्याह तुम्हारी संग करें तो हम हार उतारेंगे वैसे ना उतारेंगे जब बात कही जवाब दो जवाब तो कॉल करो कि हमारे संग ब्याह करियो कि ना करियो तो हम चढ़ेंगे ना हम जाएंगे ना बन दुल्हन आबो मेरे द्वारे बन लो तिल मेरे सोच हमारी सदा वृक्ष ने जे कही देखो सोरंगा अगर तुम हमारे संग ब्याह कर ले तो जो हम हार उतार दी वैसे तो भैया हमारे कब्जा से बाहर हम मन न खेलना आए जाए सोचन लगी कहा करें तो पीस कैसे जाए फिर मैंने एक तरीका दूसरा ढूंढो अब लड़की ने जे कही देखो मेरी बात सुनो तुम हमारे हार उतार के हमें दे दो अगर दुल्हन ना बन सके दुल्हन बन ना रह सके तो सुनो हमारी बात वो बोली कि दुल्हन बन ना रह सके तो सुनो हमारी बात हर के एहसान में संग काटेंगे ये करात जब बोली अगर दुल्हन ना बन पाए तो तुम्हारे संगम एक रात जरूर काटेंगे तुम हमारे हार उतार के हमें दे दे जब आप जब सुनी सो भैया वो तो चढ़ेगा कूद के पेड़ पे और ले जाए के हार और हो ही तो ठाड़ो ही पानी में कूद पड़ो फिर तो बाने ऊपर छलांग ही ना लई पानी में भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर चलो आओ और जो द्वार बाकी पड़ोस में पहुंचो सो निकल के फुसकार दई तो बेटा दिया धन्यवाद ही बाने समझ लेना का है गो पानी में तने करके बाने बाकू हार दो और हार देवे के बाद में कि वायदा करके बेटी चली दई बरमादी
फायदा करके बिटिया चल दई मेरे भैया, कोई दिल में खुशी मान दी। अरे फायदा करके सदा विरक्ष मना सोच के अब देसु, कोई लौट चले हर साई जी। फायदा करके लड़की चली गई, अब सदा वृक्ष मन में बड़े खुश हैं। दिन में पर नहीं चैन है मेरे भैया, कोई रात को आवे नहीं नींद। अरे दिन में पर नहीं चैन को मेरे भैया, कोई रात को आवे नहीं नींद। अरे शादी योगी बेटी भाई मेरे भैया, उतार शादी योगी अब तो सदा वृक्ष से वायदा करेगी जबात को कि हम तुम्हें ज्यादा ना है तो एक रात जरूर मिल जाए। और जबात कही के वो हार लेके चली गई। और धीरे धीरे वे दिन तक रहे, कौन सा समय आए कौन सा समय आए। तो ले पद्मा सेठ ने सोची कि हमारी लड़की शादी के लायक है और शादी की तैयारी मैंने करी और जब ब्याह करीबे को तैयार भय। और बिन ने सोची अब जग गई, जब सुनी बिन ने कि जाको ब्याह हो रहा है अब तो गई, अब हमारे कब जा से बाहर। सो भैंसिया बिन ने ढीली वही और बाके महल के पीछे तब मैं घूम के आए। और जब महल के पीछे घूम के आए तो वह लड़की ने अपनी बात को निभान के लिए छत के ऊपर से सदा वृक्ष से एक इशारो करो जकाई दूर से कि अब तो हमारी शादी हुई गई और हम ससुराल को जाई हैं। तासे कि हसिया तो लेके रापो मेरे प्यारे तुमा छत तक मैं कही बान। हाँ उसे ना हम तुम्हें मिल पाए। अब तुम एक काम करियो, हम झूठ तो खैर नहीं बोलना चाहते हैं, तुम्हें मिलेंगे जरूर। तासे तुम एक काम करियो, हसिया तो लेके रप रपो ओ मेरे प्यारे, कोई पूरा तो काटो सो साथ दे। हसिया तो लेके रप डगर मढ़ियो डारी के मेरे रसिया करो माने। डारियो मेरे प्यारे, कोई पाई में मिलेंगे गंगा आई। अरे डगर जवाब दो लड़की ने दूर से, ऐसो करियो के हसिया हाथ में लेके वो पतेल काटे लियो। पतेल काटवे के बाद में जोन सी रास्ता से हम ससुराल को जाइए ना, और बाई रास्ता में तुम एक मढ़ैया छाए लियो। और जब हम ससुराल को जाइए तो हम तुमसे मिले के तबाही जाइए जब सोरंगा ने कही। और उनने जब बात जब सुनी सो बज के गए, हसिया मिलेगो तो मिलेगो ना वैसे ही नोच लाए। और मढ़ैया छाएवे के बाद में वही बिन रास्ता पे मढ़ैया डाल लई। अब भाव ऐसो ब्याह भाव, अब ब्याह होबे के बाद में लड़की पालकी में बैठ के जब ससुराल को चली और अब देसु बाई मढ़ैया के किनारे पहुंची। हुआ ऐसा कि सदा वृक्ष ने एक सुआ और वही लटकाए लो तो पिंजड़ा बा को।
वह पालकी में बैठ के लड़की ससुराल को जब चली तो रास्ता में जब मढ़ैया छई भाई नहीं देखी तो वह कहन से लड़की बोली कि डुलिया तने कयारो की हो मेरे दीवाना। कहन से वो लड़की बोली डुलिया तने का मेरी रो की हो मेरे दीवाना। कोई सुनो कहारो मेरी बात जी ससुरे तवा हमो चाले मेरे भैया। वो लड़की बोली ससुरे तवा हमा चाले मेरे भीरन कोई देवी पूज के आए जी। ससुरे तवा हमा चाले लड़की ने कहन से कही ऐसो करो नेक देर पालकी रोक ले और हम जब झोपड़ी में अंदर जा रहे जा में देवी को मंदिर है जब जा कही देवी को मंदिर है और जब हम पूजा कर ले तब हम ससुराल को चलेंगे। सो भैया बेटरिया की बात सुने के कहन ने उतार दई जब कही जाओ ले पूजा करे आओ जा में कौन सी बड़ी बात पूजा के लिए हम काय को बीच में दीवार बनेंगे। हाँ जाओ अब बे तो पूजा करने के लिए पूजा अब हम कोई देवी देवता तो हते ना। अब भाव ऐसो कि वे पूजा करने को जब भीतर घुस गई बामे तो देखो उन्हें दूर से कि देखे नजर पसार सोई सुकुमार गई घबराई। इंतजार कत कत लला बे तो सोई गए उन्हें सुती ही ना रही। देखे नजर पसार सोई सुकुमार गई घबराई सोचे मन में ठाड़ी ठाड़ी कैसे नहीं जगाई। कहा करें जगाएं के ना जगाएं और जगाएं तो कैसे जगाएं हमारी बात भी अधूरी रह जाएगी क्या करें क्या ना करें। अबे तो सो रहे हो ना सोते खबर देखो तोता पास तो भाई उदास कहीं समझाई मौदू जब जग जाए तो दियो बताई लड़की ने तोता को देखो पास में सुबह तोता से कही के ऐसो करिए भैया जब मुझे मौदू जग जाए तो ने बता दिए। अब सुआ से बे तो सोएगा उनने ना सोते खबर लई और बे उनने जगाओ ना ढंगा ठाड़ी नहीं। और फिर सुआ से एक बात वो बिटिया ने कही जवाब दो भैया तोता इनसे ज कही दिए कि याद जो मेरी अब ना करे और सुना तो मां दीजो ने कभे दुबाताई अरे याद तो जाकी हाथी सो ले गयो योर सुना जाकी हाथी सो ले चलो योर तोता अब इनको मिलाना की नाई। अरे जाकी हाथी सो ले गयो योर सुना अब तोता से कही जब जे जग जाए तब इन्हें समझाए दियो और कछु निशानी बनाएवे के लिए बने अपने आंखें से काजर छुटाओ और आंखें से काजर छुटाएवे के बाद उनके हाथ पर लिख दई धारा नगरी। बबिटरिया को ब्याह बहुत तो वही धारा नगरी। हाँ सो ब काजर से हाथन पे हथेली पे जब लिख दई और पालकी में बैठी और जवाब दो हम तो पूजा कर आए अब चलो बस ससुराल को चली गई और इे बेच जागी और जो जगे जो हाथ लगाए ध्यान गो सोई बिन्ने
अब तो थाने बैठे चैन ही ना, तब सुगा बोलो रुकी जाओ जाटी हाथी सो ले गयो मेरे भैया वका खा के बठोरन या बजाऊ रे जाटी हाथी सो ले गयो मेरे भैया चुपका बैठो घर माही जी जवाब दो के जाकी हती सो तो ले गयो अब का खाके बटोर न के ले हुन जायो तसे ऐसो करो अब तुम चुपचाप खामोश हो के हिन बैठो और जो जबात माने सुनी सो बाने की चल तो ही हम पहले हमें तूने हमें जगा होना है और जैसे कील खोली भैया सो एकदम से बूतो ओड़ो चलो गो अब बे हुन तेते धारे बहा दे धारा नगरी को जब बे हुन ते धारे बहा दे कि अब हम बिना मिले हम वो चैन आया ये है तो भाजत गए और इये तोले ब लड़की को एक रास्ता में डोकरी मिली उन बड़ी बूढ़ी से जा कही के यंत कोई भाजत भो अगर आए तो भाई रोक लियो समझाई दियो समझाने से अगर मान जाए तो ठीक है और न माने तब फिर देखी पड़े ब लड़की इतनी बात कहे कि उन बड़ी बूढ़ी से बे तो चली गई अब भाव ऐसो कि बू लड़का भाज तो भाव बस समझ गई ढुकर यार जो देखो जो ही भाजत जा तो सोई हाँ अपने पास बुलाओ ब लड़का और जब अपने पास बुलाओ फिर ब लड़का ने एक बात पूछी मैया एक बात बताओ हमें कहा के इन डगरे न डुलिया गई मेरी मैया पूछन लगो इन डगरे न डुलिया गई मेरी मैया जामे पचरंग पड़ो तो उघार में कोई डोली गई है डुलिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया पूछन लगे डुलिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया वो हसे के रो बती जाई दी डुलिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया डोली गई है अब डोली में एक लड़की बैठी है वह लड़की हसत हती के रोबत हती तो वह बुढ़िया ने अपने पास बैठा लो क्योंकि बिटरिया कह के गई थी अब बुढ़िया बोली लला डुलिया गई है जाई राह से मेरे बेटा बामे पचरंग पढ़ो तो यू घर डुलिया गई है जाई सुंदर सी बैठी एक गोरली परदेसी वो चितबती जाई जवाब दो बेटा हिंत में डोली तो गई है और बाम एक लड़की बैठी थी बड़ी सुंदर आती अब न रोती न हसत आती जार बार चिता उत जात और जो जबात सुनी सोई बे धरे बाजे लेकिन वह बिटरिया की बात जब बुढ़िया को याद आई सोई बाने बुला लो जकी लला ये ना ये ना अरे चले जाइयो जाम कौन सी बड़ी बात चले जाइयो ये ना ऐसा करो एक ठाड़ी ना जाम में घुस जाओ और गन्ना तोल लाओ खा लो तब जाइयो न जाने कब के भूखे प्यासे रहियो ऐसो करियो सबसे मोटो गन्ना हो सो लाइयो अब बे पहुंचे उखारी में से ढूंढते फिरे कौन सो मोटो है कौन सो मोटो है ढूंढता रहे तो कुल देर लग गई और जब कुल देर लग गई ताके बाद में एक गन्ना तोड़ के लाए
और जब गन्ना तोड़ के लाए तो डुकरिया ने गन्ना के लला बदेसू तीन टूक करे। सबसे पहले जड़ की तरफ को खवाओ तो कही लला कैसो लगो के अरे बड़ो अच्छो लगो। बाके बाद बीच को खवाओ जू कैसो लगो जवाब दो अच्छो तो लगो लेकिन उस तो अच्छो ना लगो। ताके बाद सबसे लास्ट को ऊपर आओ खवाओ जो कही जू कैसो लगो बोले चुप रहो जामत जते मोही खराब होई गो। तो डुकरिया बोली लला वो भूटी तुम्हारी के पहलो तो रसू रसी लाओ परदेसी कोई तुझे लो है कहार जी। पहलो तो रसू रसी लाओ परदेसी कोई तुझे तो लो है कहार जी। बुढ़िया ने बड़ी बढ़िया बात कही और समझाए के तीजो तो रसू बके पति लाओ परदेसी अब का खाक बटोर न जाऊ जी। मेरे भैया बुढ़िया ने बहुत समझाओ लेकिन उनके कोई बात दिमाग में जब ना आई तो बे हुन से धर भाजे बाई लड़की से मिलवे को और जब हुन से धर भाजे तो भाजत चले गए। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि मन मतिंग माने नहीं जोले खता न पाए। मन मतिंग माने नहीं जोले खता न पाए। जैसे विधवा स्त्री सो गर्व रहे पछिताए। वे ना माने और आगे बढ़त चले गए भाजत चले गए सो अब लग आई लला प्यास। जब प्यास लग आई तो उन्हें हाथन से पानी ना पियो बरहा चल तो अतुता में क्योंकि हाथन से पिए तो हाथन में जो काजर लगो तो सो छुटो जातो। ताके माए उन्हें भी हाथन से पानी ना पियो और वैसे ही मोह लगाए के पानी बरहा में पियन लगे। जब बरहा में पानी मोह लगा के पियन लगे तो दो चार लड़कियां ठाणी ना सुबह सहेली आपस में बातचीत करके एक लड़की दूसरी लड़की से बोली बहना कि जाके हाथ बने हैं पैया बने मेरी बहना। एक लड़की दूसरी लड़की से बोली जाके हाथ बने हैं पैया बने मेरी बहना कोई देखन में राज कुमार जी। अरे हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बेना। एक लड़की ने कही जो कही जो तो बिल्कुल गमार मालूम पड़ रहो है जाके हाथ तो है पायू दए भगवान ने लेकिन तू ऐसे पानी क्यों पी भर रो है। हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बेना जाको भेद दियो री बतलाई जी। हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बेना जाको भेद दियो बतलाई। तो दूसरी लड़की बोली बाकी बात सुन के और दूसरी बोली बात जो है ना के का उसने ना लगे मेरी बेना बात कचोर है के का उसने ना लगे मेरी बेना के दिल पे भारी जाके चोट जी। अरे दिल की लगी अति नीच
रहे मेरी बेना कोई चैन नया बे देना राती जी बे तो आपस में बातचीत कर रही तोले पर भनक सदा वृक्ष के कान में पड़ गई बाने कही ऐसी कोई बात ना है गाड़ी हमारी अटक गई रेत में अब गाड़ी को निकात रहे था से हाथ करिया हो गए अमन सोची के हाथ धोए का चलो ऐसे ही पानी पिए लेते हैं अब बाबा तो कही वे तो हुन तो बाहर ठाड़ी भाई और भाज चले गए भाव ऐसो सोचन लगे जब भाई गांव पहुंच गए लला जोन से गांव पिटरिया को ब्याह रुकेगा उधर सोचन लगे अब हम कैसे पतो लगाए जाको कैसे पतो लगाए ऐसे गए तो मारू खिलू दुखी नहीं रही पढ़ाई घर में सो बाई समय पे केली नो साधु भेष बनाई बन सन्यासी बढ़े यगारी साधु बने गए बाहरी प्रेम और दोस्तों ध्यान रखना कि प्रेम में कोई नेम भी नहीं होता प्रेम न किया जाता है न खरीदा जाता है न बेचा जाता है कुदरत की देन है अक्षमा तो हो जाता है लीनो साधु भेसरे बनाई बन सन्यासी आगे सीध लगाई नहीं पलकी देर लगाई गली गली आवाज सुनाई महात्मा बन गए और महात्मा बनबे के बाद में झोली लटकाई लई और भीख मांगन लगे घर घर में बाई गांव में और भीख मांगत हैं तो आवाज एक ही लगाते हैं कि बेटा तो कहिए जागा भी सके मेरे भैया कोई सदा भी रक्षा मेरो नाम जी लगा चले गए एक घर में भीख मांगे तो ही छोड़ दें तसरे में फिर घुस जाए अब भाई बिटरिया के द्वार पे पहुंचे और जो आवाज लगाई और बोले कि तेरे ही कारण जोगी बने मेरी प्यारी तेरे ही कारण जोगी बने मेरी प्यारी कोई घर घर की मांगे गंगा भी कजी जवाब दो तेरे ही कारण जोगी बने और जो आवाज पहचानी सोई बस समझ गई ले जे आए गए सोचन लगी कहा करें अब द्वार पे बिठाड़े महात्मा बने और तौले में बिटरिया चालाकी चलके अपनी सास से बोली मैया वैसे हमारे गांव में जरीते है कोई अगर लड़की ससुराल में दुल्हन बन के आते है तो महात्मन को भीख बहे डालते है तो सीधी शादी बेचारी बड़ी बूढ़ी में समझ ही ना पाई कहा रगड़ो कहा जाओ में जवाब तो कोई बात ना जाओ तुम भीख डाल रहे सो बिन ने पहले तो भल्ला मोती बा में और मोती भरवे के बाद ऊपर से बिन्ने डाल लो आटा फाटा दो कछुआतो सुबह में भोसी भोसी तो सब डार के और भीख देवे को जब चली और दूर से जैसी माने भीख लात भाव देखो सो बाने धक्का दो बामे सो भाई मोती भोती सब हाथे सो फैल गए अबू आतो तो गुस्सा में क्योंकि तुम जगाओ ना और जब मोती होती सब फैल गए सुबह मोती हाथे सो कौआ चुगन लगे सो दूसरी छत पे दो तीन औरतें ठाड़ी ना सुबह बेटरिया आपस में बातचीत करने लगी बहना समझ में जाना आया आते के जानगरी में मूरख बसे मेरी बहना कोई चतुरा दिखा तुमको नहीं जी अरे कौआ तो मोती देखो चुंगी रहे मेरी बहना
दूसरी लड़की बोली, कौआ तो मोती देखो चुंगी रहे मेरी बहना, कोई उन्हें उड़ा बताना ही जी। जवाब दो, जो नगरी में सब पागल बसत देख कौआ मोती चुंगी रहे, बोले दूसरी लड़की बाय समझाए कि बोली तू बिल्कुल पागल है, जा नगरी में चतुरा बसे मेरी गुइया, जा में मूर्ख है कोई नाही जी। अरे बारे की यारी ऐसी होती है मेरी बेला, बस समझ गई और बने कई, बारे की यारी ऐसी होती है मेरी बहना, जा मैं दोष किसी को कछु नाही जी। ये तो भी आपस हम बातचीत कर रही हैं और तोले वो लड़का से जब बोली देखो ऐसो करो नाराज ना हो, तुम ऐसो करियो हमारे बाग में एक खटुआ आम है, वह आम के पास तुम हमें मिल जाइयो और कल शाम को हम तुम्हें वही मिलेंगे। आए जबात कह के अब लड़की अति से चली गई और बेज सोचते हैं कि भगवान देने में सज मुंद जाए। अब भाव ऐसो कि लड़की ने अपनी सास से जा कही कि मैया अगर घर में कोई आफत आ जाए तो हम क्या करें। जवाब दो बहू, अरे जाओ कोई बात, घर में अगर आफत आ जाए तो बन में भाग जाए और बन में कचो आफत है तो घर में चलो आए। बिन्ने खूब सलक लई और जब सब सोई गए सोई सोरंगा ने घर में अति आग लगाई दई और आग लगाए के बाद में जब घर वो जन्न लगो सोई वो लड़की भागी बाग में पहुंची और ये जब बाग में पहुंची तो ले भाव ऐसो के बा आम पेते का आमिया टपक पड़ी बा से पहले बाने सोची है ना ईटें कितनी सुबह वंत तो उठो दूसरी जगह भजो चलो गो बाने ना। अब भाव ऐसो के बेचारी घर जराबे के बाद में होन लो गई लेकिन बे मौदू मिली ना पाए, बे जब ना मिल पाए तब बे फिर लौट के दोबारा घर में आई। अब उनकी सास ने देखी सो एकदम से भज के गोदी में उठाई ली। जवाब दो हमारे घर बरेगो सो बरेगो चलो बहू बचेगी जो कुछ भाव से तो भाव अच्छो भाव कोई बात ना। अब बे गई तो मिलबे को हती लेकिन मिल ना पाई तो दूसरे दिन बे फिर सन्यासी बन के वही टेर मानने लगे। सन्यासी बन के जब टेर मानने लगे जवाब दो बोले लेकिन देखो अब हम तुम्हें ऐसे ना मिल पाए, अब एक काम करो एक सांप ले आइयो मार के, अब वो ऐसा मारियो बाकी कहीं चोट ना लगे मालम ना पड़े और मार के वो हमें दे दे। भाव ऐसो के बे महात्मा के बेसम बेचारे सांप को तो पकड़ लाए भी नहीं मरे चाहे जिंदा रहा अब हो देख ही पड़े तो बे सांप लाए के अब लड़की के पास में रख के चले गए। बस लड़की ने बस सांप को अपने पैर के ऊपर रख लियो और बस जगी ही ना, सवेर हो ही गयो और दिन चढ़ी गयो लेकिन बनाए जगी। अब घर बाए सब सोचन लगे जाने का बात सब भज के गए और जब देखो जाए सो बाए सांप ऊपर धरो सो एकदम से डुकरिया रोन चिल्लान लगी सोचन लगी कि जो सांप जो हतो सो मरी गयो जाके जहर से और जाके सांप के जहर से बहू मरी गई। अब कहा करें सब लोग दुखी हुए कि जब रोत ब चिल्लात भय और पहुंचे हैं बाई जराबे के लिए और बस कह दी अति ऐसा करिए हम जर न जाए ताकि पहले ही तुम हमें निकाल लियो। अब चिता में लगाए दो लड़की को और चिता में लगाए के बाद जब वो आगे लेके घूमन लगो को जाके संग शादी भई थी सो तोले तोले के कूदो लेके तब बस को मेरे भैया दुई चार के दए हैं जमाई जी। भाग खड़ी हुई और लड़की की कलाई पकड़ के बांस निकालो कंडन में से और ले जाए के दोनों सफर के मारे हारे थके भए और जब लेट के बांस सोए गए एक पटरी पे एक राजा को लड़का आओ सुबह ने बड़ी सुंदर लड़की देखी तो उठाए के सोत भाई बाने कोरे आए के घोड़ा पे धल लई और ले चलोगो। क्षमा करें
अब वो सदा वृक्ष उस लड़की की याद में इधर उधर भटक रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। आगे क्या होगा तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 3 का, कि आगे फिर क्या हुआ। सीतकों गई रे किना भकिलाई मेरी रनिया, मेरी पूरी भाई नाई आस दी। अरे तेरे ही कारण जोगी बने मेरी रानी, कोई दर दर मांगी हमने भी कदी। वृक्ष सोरंगा की याद में भटक रहा है, क्षमा करें, यहाँ से आगे वॉल्यूम नंबर 3 का इंतजार करें। सदा वृक्ष सोरंगा किस तरह से दोबारा फिर मिलते हैं राजपूत कैसेट में, वॉल्यूम नंबर 3 का इंतजार करें।